डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक रहस्यमय मंदिर है जिसका नाम है बुद्ध निकंथा। यहाँ शिवपुरी पहाड़ी के बीच स्थित भगवान विष्णु का ये मंदिर बेहद पुराना है और साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए देश दुनिया में मशहूर भी है। बुद्ध निकंथा मंदिर की इस मूर्ति के इतिहास के बारे में बताएं तो यहाँ भगवान विष्णु एक पानी के कुंड में 11 सांपों के ऊपर सोती हुई मुद्रा में विराजमान हैं। भगवान विष्णु की काले रंग की ये मूर्ति नागों की सर्पीलाकार कुंडली पट्टी की है। इसके पीछे एक कहानी ये है कि एक बार एक किसान इसी जगह पर काम कर रहा था। इसी दौरान किसान को ये मूर्ति मिली। 13 मीटर लंबे तालाब में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति 5 मीटर की है। यहाँ नागों का सिर भगवान विष्णु के छत्र के रूप में भी देखा जा सकता है। मंदिर की एक और खासियत ये है, या यूं कहें मान्यता है, कि मंदिर में आम लोग तो भगवान के दर्शन कर सकते हैं लेकिन नेपाल राज परिवार के लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों, तो चलिए इसी पहलू पर एक नजर डालते हैं। तो कहते हैं कि ये बुद्ध निकंथा मंदिर राज परिवार के लिए शापित है। इसी शाप के डर के वजह से राज परिवार के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने से परहेज करते हैं। दरअसल इसके पीछे ये मान्यता है कि राज परिवार का कोई भी सदस्य अगर इस मंदिर में भगवान विष्णु की स्थापित मूर्ति के दर्शन कर लेता है तो शाप की वजह से उसकी मौत भी निश्चित है। हालांकि राज परिवार के लिए मंदिर में भगवान विष्णु की एक वैसी ही दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी वो पूजा आराधना कर सकें। फिलहाल तो नेपाल में बने इस पुराने बुद्ध निकंथा मंदिर के रहस्यमय पहलू को जानने समझने के लिए दुनिया भर के सैलानी यहां खिंचे चले आते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।